हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AA08 स्पोर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में, ISL इंडियन फुटबॉल्स नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के बारे में भी बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल्स के बारे में। गाइस, आप लोग जानते ही है कि इंडिया अंडर 23 टीम्स AFC क्वालिफायर्स में खेल रहे हैं और इंडियन अंडर 23 टीम चाइना अंडर 20 टीम के साथ हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद कल इंडिया अंडर 20 टीम खेला था UAE अंडर 23 टीम के साथ। और गाइस, कल भी इंडिया अंडर 23 टीम UAE अंडर 20 टीम के साथ हार का सामना करना पड़ा और इंडिया अंडर 23 टीम ने दो मैच खेल लिया है AFC क्वालिफायर्स का। दो मैच खेल लिया है चाइना के साथ और UAE के साथ और इंडिया के पास एक ही मैच बाकी है और इंडिया अंडर 23 टीम AFC में क्वालिफाई होने के लिए चांस नहीं है क्योंकि इंडिया अंडर 23 टीम तीन मैच में दो मैच हार चुका है। एक मैच चाइना के साथ हार का सामना करना पड़ा और कल इंडिया अंडर 23 टीम को UAE के साथ हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट अपडेट ISL से रिलेटेड है। गाइस, आप लोग जानते ही है कि ISL का ये सीज़न 10 ईयर हो गया है और इन 10 ईयर में ISL के साथ स्पॉन्सर थे हीरो मोटोक्रॉप के साथ, लेकिन इस बार हीरो मोटोक्रॉप ISL का स्पॉन्सर छोड़ दिया है। हीरो मोटोक्रॉप इंडियन क्वी आई लीग में भी हीरो मोटोक्रॉप स्पॉन्सर करते थे और क्वी ऐसे टूर्नामेंट पर मोटोक्रॉप स्पॉन्सरशिप करते थे, लेकिन इस बार से मोटोक्रॉप क्वी इंडियन टूर्नामेंट में इंडियन फुटबॉल में स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा। इस बार ISL में भी मोटोक्रॉप स्पॉन्सर नहीं करेगा और आई लीग में भी नहीं करेगा। ये ISL के साथ ही इंडियन फुटबॉल्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। नेक्स्ट अपडेट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का डिफेंडर सेंटर बैक प्लेयर यासर हमेद के बारे में। गाइस, मैं कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि यासर हमेद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में आया था, लेकिन फिर से नेशनल ड्यूटी निभाने के लिए पैलेस्टाइन जाना पड़ा यासर हमेद को। और यासर हमेद अपनी नेशनल टीम में खेल रहे थे और पैलेस्टाइन और कुई देशों के साथ फ्रेंडली मैच चल रहे थे और इसीलिए यासर हमेद को पैलेस्टाइन में जाना पड़ा। और ऐसा खबर है कि पैलेस्टाइन का फ्रेंडली मैच एंड हो चुका है और जल्द ही यासर हमेद नॉर्थ ईस्ट में आएगा, गुवाहाटी में आ जाएगा और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। साथ ही और एक अपडेट आप लोगों को बता देता हूँ यासर हमेद के रिलेटेड। गाइस, यासर हमेद ISL 2023-24 का मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपेंसिव सेंटर बैक प्लेयर है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। ISL सीजन 10 का मोस्ट एक्सपेंसिव सेंटर बैक प्लेयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में है और यासर हमेद का परफॉर्मेंस दुरान कप में देखने को नहीं मिला, लेकिन आई होप ISL में यासर हमेद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। जय आए अहोम, वंदे मातरम।